सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन रंकार जी। तो सत्संग जी, दास के चैनल पर सत्संग जी कुछ महात्माओं का कमेंट आ रहा था कि आप अपने परिवार के बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। तो सत्संग जी, दास ने उनके कमेंट पर एक वीडियो बनाई है। दास आपको अपने परिवार से आज मिलाएगा, तो आपके चरणों में प्रार्थना है वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो सत्संग जी, ये दास की धर्मपत्नी जी हैं, तो इनकी कुछ तबीयत 4-5 दिन से लगातार ख़राब चल रही है। तो आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना इसे आशीर्वाद दें ताकि इनकी तबीयत में जल्द से जल्द सुधार हो सके। और सत्संग जी, जैसे कि आपको पता है, समालका के बीच जो सेवाएं चल रही हैं उसके बीच सत्संग जी दास की भी वहां पर कुछ एडवांस सेवाएं हैं। तो सत्संग जी, दास ने भी वहां पर जाना है। और सत्संग जी, आप सभी संतों को पता है कि वहां पर सत्संग जी दास की एडवांस सेवाएं हैं साप्ताहिक। तो सत्संग जी दास ने कल जाना है, तो यहां पर सत्संग जी दासी की भी तबीयत कुछ ख़राब है। इनको 4-5 दिन से लगातार बुखार चल रहा है। तो सत्संग जी, दास आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता है, दासी को आप आशीर्वाद दें ताकि जो इनका बुखार है, इनकी जो तबीयत है, उसमें सुधार हो सके और ये जल्द से जल्द ठीक हो सकें। तो सत्संग जी, आप सभी संतों को पता है, समागम जो 56वां निरंकारी सत्संग समागम आने वाला है, इसकी सत्संग जी समालका के बीच भव्य तैयारियाँ चल रही हैं। और वहाँ पर एक सुंदर रूप आपको देखने को मिलेगा, लाखों की संख्या में सत्संग जी वहाँ पर मानव परिवार एकत्रित होगा। और वहाँ पर सत्संग जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी की हजूरी में एक विशाल भव्य समागम होने जा रहा है। तो आप सभी संत महात्मा सादर आमंत्रित हैं। तो सत्संग जी, दास को भी आप आशीर्वाद दें, दास भी सेवा सिमरण और सत्संग से अंतिम समय तक जुड़ा रहे। और आप यहाँ से वीडियो दास की देख रहे हैं, दास को कमेंट जरूर करें, क्योंकि सत्संग जी दास भी आप संतों पर से आशीर्वाद ले सके कि दास की वीडियो कहां कहां से देखी जा रही है। तो सत्संग जी, दासी आज आपसे कुछ अरदास करना चाहती है, तो सुनते हैं इनके भी कुछ मन के भाव। आप सभी संतों के चरणों में प्रार्थना है, इसे जरूर सुने। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संगत जी, दासी की भी 4-5 दिन से लगातार तबीयत खराब चल रही थी और बुखार भी आ रहा है बार बार। और इधर पर इधर सतगुरु माता ने दास की भी एडवांस सेवा में कुछ आशीर्वाद दिया है कि वो भी वहाँ पहुँचकर महापुरुषों से आशीर्वाद लें। और दासी आपके चरणों में अरदास करना चाहती है कि दासी के लिए भी सिमरन करें कि दासी की तबीयत में भी सुधार आ सके। दासी की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार भी आ जाएगा तो दास चला जाएगा सेवा पर, और ना भी आएगा तो सतगुरु माता जी ठीक करेंगी, दास सेवा पर ज़रूर जाएगा। बस सुख शांति रखें सतगुरु माता जी। संगत जी, आपको पता है कि समालका में जो समागम होता है उसमें लाखों की संख्या में महात्मा जी आते हैं और काफ़ी भाईचारा देखने को और प्रेम निम्रता देखने को मिलता है हमें। हम भी कई बार समागम में गए हैं तो सभी महापुरुष वहाँ पर ऐसे ही इकट्ठे होते हैं कि एक दूसरे के साथ प्रेम निम्रता से बर्ताव करते हैं और प्रेम निम्रता से ही बोलते हैं महात्माओं के साथ। साथ संगत जी, बस सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है कि जो ये आपका परिवार है ऐसे ही जुड़ा रहे आप जी के चरणों से और ऐसे ही सेवा सिमरन सत्संग से जुड़ा रहे। और साथ संगत जी, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताया करें और धन निरंकार लिखना ना भूला करें ताकि दास को पता चल सके कि आपकी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।